lo que esta media house me bahut income hota hai kahan pe sach hai is tarah kuch bataiye hamdar point ne bolega jaise aap sabko pata hoga there is a three okay sabse pehle congratulations ma'am सेकेंड फाउंडेशन डे के लिए और आप लोग ईटानगर में भी सेलिब्रेट कर सकता था लेकिन सेपा में ही क्यों इसका वजह बताइए मैं हमको लगता है आपको इसका ज़्यादा अच्छा आंसर मेरा एमडी दे सकता है प्लीज काइंडली जैसे आपने कहा कि हम लोग ईटानगर में भी सेलिब्रेट कर सकता था हाँ हम लोग कर सकता था लेकिन वहाँ में भी बहुत सारा एनजीओस है जहाँ में हम लोग जा सकता था लेकिन हम लोग पहले भी यहाँ में एक बार विजिट कर चुके हैं कांपू होलन में तो वी फेल्ट कि हम लोग का अगर हम लोग ये बच्चा लोग का साथ में सेलिब्रेट करेगा तो इनडायरेक्टली वो लोग को भी एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि जैसे ये कंडीशन है दीदी भी यहाँ हेल्प ऐसे जहाँ तक मांगने नहीं जाते अलग से तो ऐसा होने के ऐसे हम लोग को लगा है कि हम लोग अरुणाचल आई का अगर यहाँ में हम लोग सेलिब्रेट करेगा तो इनडायरेक्टली कांपू होलन को भी एक्सपोजर मिलेगा तो वही रीज़न था और हम लोग चाहता था कि अपना बीच में खुशी बांटने से अच्छा ज़्यादा आदमी बच्चा लोग का साथ अगर मनाएगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा इसलिए वही बस सिंपल रीज़न था हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए okay. तो लोग कहता है मीडिया हाउस में बहुत इनकम होता है कहाँ तक सच है इससे तरह कुछ बताइए हम डायरेक्ट पॉइंट ने बोलेगा जैसे आप लोग सबको पता होगा देयर इज ए थ्री एसोसिएशन अरुणाचल प्रेस क्लब एपीसी अपूच एडमा हम लोग का सीनियर लोग हम लोग को ऐसे बोलता है कि मीडिया इज ए सीरियस बिजनेस रियली टू बी ऑनेस्ट दिस इज अस मीडिया इज ए सीरियस बिजनेस यहाँ पर आप एंटरटेन कर रहा है इट्स ओके हंसी मजाक कर रहा है इट्स ओके लेकिन जब आप न्यूज़ और रिपोर्टिंग का बारे आते हैं आप उसको टू द पॉइंट पब्लिक को देना चाहिए और आप भी यहाँ कुछ कर रहे हैं आपको भी पता है कितना इनकम होता है नहीं होता है जैसे कि हम लोग का सीनियर्स बोलता है देयर इज ए टू टाइप ऑफ न्यूज़ न्यूज़ इज एवरीथिंग इज़ न्यूज़ लेकिन जैसे कि पेड न्यूज़ का होता है नॉट ओनली इसको पेड न्यूज़ भी बोलने हमको अजीब भी फील लगता है क्योंकि एज ए मीडिया पर्सन इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा चीज़ को हम लोग को दिखाना जैसे कि आपका कुछ सोशल इशू हो रहा है मैं तो ऐसे डायरेक्ट ओपनली बोलना नहीं चाहता हूँ बट फिर भी एज ए मीडिया पर्सन हम लोग को बोल रहना चाहिए हम लोग को आरजू देश में हम लोग का एचओडीज टीचर्स ये सिखाया है मीडिया पर्सन बोल्ड होना है तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं जब रेप केस होता है मर्डर केस होता है ना ये सब आप भी फील करता होगा जब रातों रात फायर इंसिडेंट हो जाता है कोई नदी में घुस जाता है या कुछ भी सोशल इशू होता है तो मीडिया हमेशा फर्स्ट होना है और जहाँ मीडिया नहीं पहुँच रहा है आप मीडिया को क्लेम कर सकते हैं आपका राइट है आप मीडिया को गाली दे सकते हैं और उस न्यूज़ को अगर कोई मीडिया चार्ज करता है आप उसको गाली भी दे सकते हैं FIR भी लॉन्च कर सकते हैं वो अगर आप ये काम नहीं कर सकेगा तो आप मीडिया में मत आइए हम लोग का सीनियर ऐसा कहता है अगर आप आएगा तो सोशल सर्विस करने आइए यहाँ पे कोई इनकम नहीं होता है दिस इज़ जस्ट अ सीरियस बिजनेस और अगर आप पर्सनल में आप कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं अगर आपको कोई प्यार से टोकन ऑफ लव करके कोई आपको सीनियर्स कोई आपको मदद कर रहा है दैट्स अनदर पाथ थैंक यू सो मच ओके मैम और एक सवाल है जैसा कि मैम अभी जैसे कि दो साल हो रहा है अभी आप लोग का जो फाउंडेशन हो रहा है तो ये फाउंडेशन को लेकर आप लोग का जो जर्नी है तो इसे ब्रीफ कीजिए हम लोग का जर्नी बहुत इमोशन था काफ़ी इमोशन से स्टार्ट हुआ जैसे कि मेरा साथ में खड़ा हुआ है मेरा MD नाबम तुंकी हम दोनों साथ में ग्रेजुएट किया था RGU से मास्टर कम्प्लीट किया था 2019 में और उससे पहले से हम दोनों डिपार्टमेंट से हम लोग डायरेक्ट एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया था एज ए बेस्ट बडी बेस्ट फ्रेंड दोनों का कितना कॉम्बिनेशन से लेकर एवरीथिंग पूरा बहुत मिलता है तो हम दोनों जैसे ही कम्प्लीट हो गया था हम दोनों बोला कि चलो अभी हम लोग कुछ करना है तो ऐसे कि हम लोग आज का दिन में हम लोग पेज ओपन किया है फिर धीरे धीरे होने में तो 3 ईयर्स हो रहा है 3 ईयर्स रनिंग हो रहा है लेकिन ऐसे आगे हम बताएं हम लोग का अपूच का जो प्रेसिडेंट होता है एटमा का जो प्रेसिडेंट होता है JT तगम आपको भी पता होगा आप भी कुछ मीडिया में है तो हम लोग का सीनियर्स बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है तो हम लोग उसको सुन के रजिस्ट्रेशन किया और उसमें भी करके भी उसमें एक नॉर्म्स होता है कि आपको 3 ईयर्स के बाद वो लोग का ऑफिशियली 3 ईयर्स के बाद वो लोग आपको एंट्री करेगा तो इसके बाद हम लोग का भी 3 ईयर्स हो जाएगा हम लोग एटमा का ऑफिशियली मेम्बर बन जाएगा तो वो सबको हम लोग ध्यान में रहते हुए आज का दिन को हम लोग सेलिब्रेट किया था हम लोग ऑफिशियली 2 ईयर्स हो गया उसके बाद ऐसा मतलब होके हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था और अभी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग का सिर्फ 2 था आप देखा होगा हम लोग का फर्स्ट न्यूज़ जो कचरा को लेके था लेकी विलेज का कचरा को लेके सेकेंड न्यूज़ हम लोग का रोड को लेके था अभी जो रोड बन रहा है आप लोग देख रहा होगा और कचरा भी साफ हो गया आप लोग देख रहा होगा जितना हम लोग न्यूज़ बनाया है 90% हम लोग का पूरा रिजल्ट आया है
तो ऐसा करके मेरा फैमिली ग्रो होते गया। अरुणाचल आई का टीम वहाँ पर तीन है ईटानगर में, हम दोनों को छोड़ के, और सेपा में हम लोग का दो है। जैसे कि आप देख रहा होगा, जय निरी लिंगफा मेरा न्यू इंटर्न है, और ये जो ईटानगर का है गांजा वेन्या, और ये भी इंटर्न है साहिल नतुम। तो वी एज ए टीम अरुणाचल आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट न्यूज़ टू द पब्लिक। थैंक यू। एनी लास्ट फॉर मैसेज? एनी लास्ट मैसेज तो वही रहेगा, आप लोग हम ये नहीं बोले कि अरुणाचल आई को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये नहीं बोलेगा। बस हम यही बोले कि हर न्यूज़ को आप लोग खुद वेरीफाई कीजिए, जो न्यूज़ सच है, जो सही इन्फॉर्मेशन देता है उसे आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो न्यूज़ लग रहा है कि इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो ऑडियंस का ऊपर डिपेंड है। हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।